हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल है 9 मार्च यानी शुक्रवार का दिन। दोस्तों, शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी की आराधना का दिन होता है। दोस्तों, यदि शुक्रवार को महालक्ष्मी की आराधना की जाए तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और माता लक्ष्मी यदि एक बार प्रसन्न हो गई तो भक्त पर धन से वर्षा कर उसे मालामाल कर देती हैं। और दोस्तों, और उन्हें धनवान बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। आज मैं आपको 5 कौड़ियों की एक ऐसी टोटका बताऊंगा, यदि आपने इसको शुक्रवार के दिन कर लिया तो आपकी धन से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय होते हैं। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं एवं सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे ये उपाय करके जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय होते हैं। हमारे उपाय बहुत से लोग कर रहे हैं और वह इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इन्हीं कारण हमारे चैनल पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आकर जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे चैनल पर आज ही जुड़िए और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और एक बार हमारे उपाय करके जरूर देखिए। उपाय करने से आपके अंदर एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कल के उपाय की, यानी शुक्रवार के उपाय की। दोस्तों, कल आपको 5 पीले रंग की कौड़ियां लेनी होंगी। कौड़ियां लेने के बाद आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना होगा। दोस्तों, पूजा घर में यदि माता लक्ष्मी का चित्र होगा तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाएगा। और उसके बाद आपको एक पीला कपड़ा लेना होगा और उस पीले कपड़े में आपको 5 कौड़ियों को रख देना है और उसमें थोड़ा सा केसर डालना होगा। यदि आपके पास केसर ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा कुमकुम भी ले सकते हैं और उसमें आपको एक सिक्का रखना होगा। इन सभी को उस पीले कपड़े में रखने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी दोनों आंखें बंद करके आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। जाप करने के पश्चात आपको उस पोटली को अपने दोनों हाथों में उठाकर आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं और जितनी भी आपकी धन संबंधित परेशानियां हैं वह सभी इसको बोल देनी है। इच्छाएं बोलने के पश्चात आप इस पोटली को अपने अलमारी में, जहां आप पैसे रखते हो या फिर जहां जैसे आप यानी बक्से में रखते हो या फिर जहां भी आप अपना पैसा या जेवर रखते हैं वहां पे आप इसको रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी धन से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर होने लगेंगी और यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वह भी जल्दी माफ हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आप इस उपाय को शुक्रवार की शाम यानी कल शाम 7 बजे के बाद आपको करना होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।